अब देख जी, मैं आभारी हूं आपका कि आपने वर्ष 2024-25 के देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के बजट तीन दिनों से माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, पूरे बजट भाषण पर माननीय सदस्यों की बातों को रखते हुए मुझे इस सदन में अपनी बात को अवसर दिया है। मैं बजट पर अपनी बात रखने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी को और इससे पूर्व स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को और सरदेव लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के फैसले का हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी फैसलों का अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। चौधरी साहब का संबंध उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। इन सभी नेताओं ने या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है, कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि असल क्या होने जा रहा है।
और इसलिए नहीं पार्टी नहीं, हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था, सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान, किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता, इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। लेकिन मैं महोदय धन्यवाद दूंगा उन सभी माननीय सदस्यों को, इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है, सबने इस बात को देखा है और सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ देर रात्रि तक रह करके इन सभी माननीय सभी 93 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसे एक नई ऊंचाइयां दी हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। महोदय जब 2017 में हमने अपना पहला बजट, उस समय प्रस्तुत किया था, तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बन करके आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है, रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं, ये बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय अमृत काल के इस पहले बजट में राम राज्य की उन अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोडमैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। बजट में अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इज ऑफ लिविंग तक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से स्वस्थ और स्वावलंबन की ओर, संस्कृति से समृद्धि की ओर और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को
समावित करते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतर रोड मैप और उत्तर प्रदेश को उस मार्ग पर ले जाने के एक संकल्प के साथ बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है नेता विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर के आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट देश का किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा बजट है। 7,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। ऐतिहासिक वर्ष का एक ऐतिहासिक बजट भी है। अगर हम लोग 2012-13 की तुलना में देखेंगे तो 3 गुना से अधिक है। 2016-17 की तुलना में देखेंगे तो उनका उस वर्ष का चुनावी बजट था, उस सब के बावजूद उससे भी दुगना बजट है। गत वर्ष की तुलना से देखेंगे तो लगभग 7% वृद्धि के साथ यह बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत हुआ है। महोदय, बजट में जो इसका आकार बड़ा है वो केवल व्यय की दृष्टि नहीं है, वह 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप लोक कल्याण के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकें, इस दिशा आम जन के जीवन को, जीवन स्तर को उठाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज के बराबर ले जाने के एक संकल्प के साथ में हम लोगों ने यह बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात यहां पर हो रही है। अगर 16-17 की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष के दौरान 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को दुगुना करने में सफल रही है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में, कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष में उससे दुगना करने में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दुगना करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में सफलता प्राप्त की। और यही नहीं, जब हम 2017 में थे आबादी में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गिना जाता था। और आज जब हम 2024 में आ रहे हैं, 2024-25 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन गई। देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। आबादी देश की 16% यूपी में रहती है, लेकिन देश के विकास में उत्तर प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश योगदान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष इसे बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।
इस दौरान हमने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से भी उभारा है। नेता प्रतिपक्ष को बहुत सारी चीजों पे चिढ़ थी कि सब क्यों कर दिया। आज ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बीमारू प्रदेश नहीं है। और यह पिछले 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए हुआ है। जनता जनार्दन पे कोई टैक्स नहीं लगा, मंडी शुल्क को आधा किया गया, प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। और इसके पीछे राम राज्य की ही यही अवधारणा है, जो प्रभु राम भरत जी से कहते हैं। उन्होंने कहा था, बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होई। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। हाँ, समझा देता हूं। जैसे सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसात करता है तो सबको पता चलता है। और खासकर यानी सभी जगह समान रूप से बरसता है। तो यही स्थिति बजट की भी है, इस लोक कल्याणकारी और लोक मंगल के बजट की भी है। अतिरिक्त टैक्स 7 वर्ष में नहीं लगा, मंडी शुल्क कम किया गया, डीजल पेट्रोल के वैट के दाम को कम किए गए, लेकिन जब प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, जब बजट आ रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 के 75 जनपदों को ध्यान में रख करके यह सब किया गया है। तो यह लोक मंगल के लिए प्रस्तुत ये वही बजट है जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। महोदय, यहां हम करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने कर चोरी को नियंत्रित किया, राजस्व की लीकेजेस को रोका और प्रदेश के सीडी रेशो को हमने बेहतर किया। 2017 के पहले अगर प्रदेश में 100 रुपया जमा होता था तो मात्र 44 रुपया ही प्रदेश के उद्यमी व्यापारी और युवकों को अपने रोजगार के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना है, स्वरोजगार के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना मिल पाता था। आज पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि हम इसको 57-58% तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यह एक बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। डिजिटल लेन देन ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है और पिछले 5 वर्ष में इसकी रफ्तार हम दुगना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश में डिजिटल लेन देन में आज देश के अंदर नंबर एक है। जब मैं उत्तर प्रदेश को नंबर एक लाने की बात करता हूं तो नेता विरोधी दल को इसमें परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश नंबर एक क्यों हो गया। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है, यानी आधे से अधिक लेन देन आज प्रदेश में UPI के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग का आसान पहुंच आज गांवों में इंटरनेट के माध्यम से, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से बन चुका है और DBT के माध्यम से भी प्रदेश ने न केवल कोरोना कालखंड में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, DBT के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं की का प्रश्न है,
तो हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ये निवेश के लिए, ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में 72 सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है, और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर एक पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5,55,00,000 लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है। और आईटीआर फाइल करने में, यानी आयकर रिटर्न भरने में, उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे, और जून 2023 में यह बढ़ करके लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, और वह आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार हुआ है। यह प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो 2022-23 की तुलना में राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही, जबकि प्रदेश की इस दौरान अगर हम करंट प्राइस में लेंगे तो 14.3% की दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर देश के अंदर रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की दर भी है, अगर 16 के 17 के पहले हम देखें ये 19% से अधिक थी, और आज यह 2.4% है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। और इसमें अभी पिछली बार भी मैंने कहा था, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में निवेश का एक जो बेहतर माहौल बना है उसी का परिणाम है कि 19 फरवरी को हम लोग प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं। मोदे, पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में था, इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में थी, यहां का युवा उस प्रतिभा से लेस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविसा स्टेट की लीडरशिप में नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी, उसका विजन नहीं था, कर्महीनता की स्थिति थी, नीतिगत जड़ता थी, और प्राथमिकता विकास नहीं था, किसान नहीं था, युवा नहीं था, महिलाएं नहीं थी, गरीब नहीं था, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी,
और उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर के तुलसीदास जी ने एक बात कही, और बात कही उन्होंने, सगल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत। इन्हीं के लिए कहा है, इसी कर्महीनता के लिए, इसी अकर्मण्यता के लिए। और महोदय, अगर प्रदेश के अंदर 2024-25 के बजट के बारे में हम देखें तो कुल जो हमारी प्राप्तियां हैं वह 7,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, को हमने यहां पर अनुमानित किया है, जिनमें से 6,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राजस्व प्राप्ति तथा 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है वह होगी कि 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह उत्तर प्रदेश में, जैसे राज्य में यह यहां की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, डेवलपमेंट का आधार बनता है, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को यह साकार करने वाला बनेगा। इन इतने बड़े बजट को प्रस्तुत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश अपने 72 राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से, हम उत्तर प्रदेश को एक 72 दिशा में अग्रसर कर सकते हैं और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। FRBM की जो उत्तर प्रदेश की सीमा यानी देश के अंदर तय की गई है 3.5% की, उत्तर प्रदेश का यह बजट अपने राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए 3.46% में ये इन सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। महोदय, हम लोगों के यहां अगर प्रदेश के अंदर इस बजट में जो अन्य तमाम बातें हैं उन सभी पर अगर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, खास तौर पर कृषि की जब बात आती है तो प्रदेश में हम लोगों ने इस बजट में तमाम अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यानी उसके लिए बजट की व्यवस्था की है। जब माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात को कर रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वे दिसंबर 2023 के आंकड़ों को सदन में प्रस्तुत कर रहे थे, मार्च 24 के 31 मार्च 24 तक अभी पुराना बजट चलेगा और 31 मार्च तक इस बजट को अभी खर्च होना है। जो बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से फिर यह लागू होगा, तो कम से कम इतनी जानकारी उनकी होनी चाहिए। 5 साल तक प्रदेश ने आपको यहां देखा है, झेला है, तो स्वाभाविक रूप से इतना तो आपको पता लगना ही चाहिए कि यह बजट आज के लिए नहीं तय हो रहा, यह 1 अप्रैल से ये लागू होगा। दूसरा, आजादी के अमृतकाल में और अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत देश की 5th इकोनॉमी बना है, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी उनको आपत्ति है। यानी भारत हमारा देश दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है और उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में। इसके प्रति आभार और अभिनंदन के शब्द कहने की बजाय इसको ही हम कटघरे में खड़ा करें तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे आज भी एक तो आंकड़े वे दिसंबर 2023 के प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लोग अप्रैल 2024 की चर्चा कर रहे हैं तो वह आंकड़े वहां के प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, 5th इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर 1 का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। ले चलो,
आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ओह, मैंने कहा ना, अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। और अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, अरे कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट कराता होगा। तो महोदय फिफ्थ इकोनॉमी में भी इनको संदेह है, उस पर हर्ष और गौरव होने की बजाय देश की आर्थिक महाशक्ति बनने पर, और याद रखना जो मैंने पहले कहा, मोदी जी के ही नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुझे लगता है किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 1 ट्रिलियन डॉलर का रोड मैप क्या है, उस पर भी हम लोग आएंगे। महोदय कृषि सेक्टर में पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य हुआ, मैंने परसों भी यहां पे कहा था, गन्ना किसानों के लिए 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान हो पाया था, और पिछले 7.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जा चुकी है। प्रदेश में गन्ने का दायरा बढ़ा है, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर इस बार भी हम लोगों ने गन्ना किसानों के मांग के अनुरूप हम लोगों ने प्रति क्विंटल गन्ने का दाम भी बढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोरोना कालखंड में भी अपनी सभी चीनी मिलों को चलाया है, लगातार चला रहे हैं। यहां तक कि छपरौली की चीनी मिल, चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल थी, चौधरी साहब के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद छपरौली चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए और उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया, और मुझे प्रसन्नता है छपरौली चीनी मिल आज पूरी क्षमता के साथ आज काम कर रही है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर भी डबल इंजन की सरकार ने ही काम किया, और प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत बिचौलियों से मुक्त, मध्यस्थ से मुक्त, किसानों से सीधे क्रय सरकार करेगी। आज ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर भी पूरी प्रभावी ढंग से लागू है। प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुई है, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, और यही नहीं लगभग 23,00,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता भी पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महोदय इस बजट में खेत सुरक्षा योजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान है, राज्य कृषि विकास योजना के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए जो निजी नलकूप हैं वहां से फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए भी 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी खेती किसानी पर न पड़े, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में लग सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें है। ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, टिशू लैब,
और एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 5,569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी यहां पर बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इन सभी कार्यों को करने के बाद ये समयबद्ध तरीके से जिस दिन कार्य होंगे तो प्रदेश के अंदर 1,33,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होगी प्रदेश के अन्नदाता किसानों को। महोदय प्रदेश के अंदर इसके अलावा प्रदेश के अंदर नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें अतिरिक्त की गई है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में जितने भी ट्यूबवेल हैं सोलर पैनल लगा करके वहां पे अन्नदाता किसान को हम राहत दे सकें इसके लिए भी लगभग 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के लिए भी जल स्तर के को मेंटेन करने के लिए यह ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम आदि के लिए भी धनराशि में बजट का प्रावधान किया गया है। उद्यान और खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नए डेयरी प्लांट, गौ आश्रय स्थलों का संचालन, पशु रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए और प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था के साथ साथ एक्का पार्क के निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर इन सभी चीजों के साथ यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय प्रदेश के अंदर हम सब इस बात को जानते हैं कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास की जो ग्रोथ है वह दो बातों पर निर्भर करती है, एक स्टेबिलिटी पर, दूसरा सस्टेबिलिटी पर। और ये ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी के साथ आगे कार्य किया है। 46 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में कानपुर झांसी के बीच में हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। यानी 46 वर्ष के बाद प्रदेश में एक नया औद्योगिक शहर आएगा और इसके लिए हम लोगों ने सभी औपचारिकताओं को पूर्ण किया है। बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर के महत्व को हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक छोटी सी चिप हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को, टेलीविजन को, या हमारा लैपटॉप है, या आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अन्य सभी, उन सभी क्षेत्र में उसकी अपनी एक भूमिका है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भी लागू की है। इसके लिए हमारे पास तमाम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। FDI और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। महोदय, किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह किसी राज्य के द्वारा किया गया पहला प्रयास है। यह पहली पॉलिसी देश के अंदर आई है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में भी धनराशि की व्यवस्था की है। मुझे एक बात बताने पर प्रसन्नता है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर कुछ अच्छे परिणाम हमारे सामने आए थे और उसके बाद जो सुझाव और जिस प्रकार के हमारे सामने कुछ कठिनाई आ रही थी उसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। मैं परसों यहां पर देख रहा था, एक माननीय सदस्य ने यहीं पे प्रश्न किया था जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि FDI या फॉर्चून 500 के बारे में इसकी प्रोग्रेस क्या है और राज्य के अंदर इसका किस रूप में लाभ मिल सकता है या इससे पहले क्या नहीं हुआ था। और मैं उनको बताना चाहूंगा कि 1996 से 2017 तक
22 वर्ष में केवल 200 करोड़ का एफडीआई यूपी में आया था और 17 से 23 के बीच में 2300 करोड़ रुपए से अधिक का एफडीआई अभी तक यूपी में आ चुका है। और इस नई पॉलिसी के बाद एक नए द्वार खुलेंगे एफडीआई के लिए भी और उससे होने वाले निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार की एक नई संभावना प्रदेश के अंदर विकसित होगी। महोदय, प्रदेश के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अन्य एक्सप्रेसवे के कार्य के साथ साथ आज हम लोगों ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी व्यवस्था की है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ के पहले हम इस एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए प्रारंभ कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% तक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और एमएसएमई में प्रदेश के अंदर जो किसी भी इकोनॉमी का, खासतौर पर बड़े निवेश का जो बैकबोन होता है, वह एमएसएमई का क्लस्टर उनके पास किस रूप में मौजूद है इस पर निर्भर करता है। ये रोजगार और की संभावनाओं को भी, अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की संभावना भी इससे बनती है। और इस सेक्टर में जो 2017 के पहले लगभग पूरी तरह उपेक्षित सा था, आज वह 2016-17 तक प्रदेश में कुल 28,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण होता था एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल था, जो प्रदेश के अंदर संभावनाएं थी, उस फील्ड की उपेक्षा की गई, उसको हतोत्साहित किया गया। परिणाम क्या था? ये बंदी के कगार की तरफ जा रहा था। आज प्रदेश ने जब थोड़ा भी उसमें प्रोत्साहन दिया, अभी हम लोगों ने 22-23 में 1,60,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध एमएसएमई यूनिट को प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया है। जो पहले केवल 28,000 था, आज 1,60,000 करोड़ पहुंचा है। और 24-25 के लिए हम लोगों ने इस लक्ष्य को 2,91,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। महोदय, आज इस बजट में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे नए उद्यमियों को, जिनको हम एक निश्चित व्यवस्था के तहत जिनका हम प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले चरण में 5,00,000 रुपए तक की ऋण, यानी ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम इसके साथ करेंगे। और इस राशि को जैसे ही उनका भुगतान होगा, तो फिर उसको 7,50,000 रुपए तक की, फिर उसके बाद 10,00,000 रुपए तक की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। 1,00,000 युवा उद्यमी इसके साथ जुड़ेंगे। और इस कार्यक्रम को इस बजट के पास होने के बाद अप्रैल से हम प्रदेश के अंदर इसको लागू कर देंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश रोजगार प्रोत्साहन कोष। इसके माध्यम से भी प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वित्त पोषण और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको सेवा आयोजित करने के लिए भी इस स्कीम को प्रदेश के अंदर हम लागू कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश ने 10 फ्लेच पार्क, प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अब तक जो पार्क विकसित किए हैं, इसके अलावा नए हर जनपद में भी इस प्रकार के औद्योगिक पार्क विकसित हों, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और इन सभी चीजों को हम लोगों ने इसके साथ किया है। 2024-25 के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ टेक्सटाइल के नए हब के रूप में
हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्रदेश में एक नए निफ्ट यानी राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने, 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना और 69 ITI के उन्नयन का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। 22,000 से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनबाड़ी के रूप में प्रदेश के अंदर अपग्रेड करने की कार्रवाई को भी इस बजट में प्रस्तुत करने का कार्य हुआ है। महोदय, वास्तव में यह देश के अंदर भी चर्चा होती है और लोग इस बात को कहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था आज वो राज्य अचानक देश की इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए तेजी के साथ देश की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। जिस राज्य को कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं था उसे सभी बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए ऋण देने को आज आतुर हैं। जहां कोई निवेशक आने को तैयार नहीं था आज वह देश और दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में वही राज्य बन गया है। इसका कारण है कि सतत और नियोजित प्रयास सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं हर ओर से प्रारंभ हुए, लक्ष्य तय करना और फिर उसकी सिद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और यही प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ किया गया है उसकी परिणति आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रही है। मुझे शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की आधार है, आधारशिला है। बेसिक शिक्षा परिषद में हमने देखा है कि किस रूप में हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य कि जब हम बात करते हैं तो किसी भी मानव पूंजी के पोटेंशियल आधार है, इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही इस दिशा में एक नियोजित प्रयास भी प्रारंभ किया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों को हब एवं स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ODROP के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल और सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार उनके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सरकार ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। न केवल बेसिक और माध्यमिक में बल्कि उच्च शिक्षा में भी इन चीजों को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप की स्कीम जिसमें उद्योग या इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जुड़ने, इसके लिए उन्हें वहां पर मानदेय उचित मानदेय मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके और CM अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ उसको हम जोड़ सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए भी प्रदेश के अंदर मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन के लिए जहां हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, IIT कानपुर के साथ मिलकर के एक मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है और प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अनेक जो उपाय पिछले 7 वर्ष में प्रदेश सरकार ने किए हैं। हम सब जानते हैं प्रदेश में कोई खेल की पॉलिसी नहीं थी, प्राइवेट खेल एकेडमी चलते थे लेकिन सरकार के स्तर पर उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं था। प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए
लेकिन उनका जीवन सिक्योर नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसके पॉलिसी ला करके अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों में स्थान दे चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओलंपिक में हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी को प्रदेश सरकार ने पहले ही डिप्टी एसपी के पद पर यहां नियुक्ति दी, और एशियन गेम्स में जिन बालिकाओं ने और जिन खिलाड़ियों ने प्रदेश देश के लिए मेडल जीते हैं उनमें से उत्तर प्रदेश के भी खिलाड़ी थे। और उत्तर प्रदेश की उस बालिका का यह कथन एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो उसने कहा, पारुल चौधरी ने कहा था मुजफ्फरनगर की, उसने इस बात उसने कहा था, उसने कहा मैं चीन को इसलिए पछाड़ पाई क्योंकि हमारे राज्य ने घोषणा की थी कि जो गोल्ड मेडल लेके आएगा हम उसको डिप्टी एसपी पद बनाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने उन बालिकाओं को और गोल्ड मेडल जीतने वाले उन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान भी कर दिया है और अपनी ओर से सम्मान भी किया है। इन सभी खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की को कोच के रूप में, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कोच के रूप में अलग अलग संस्थानों में उनको नियुक्त किया जा सके इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और साथ साथ खिलाड़ियों में चोट होने की बहुत सारी हमें अक्सर शिकायतें मिलती हैं, तो उनके लिए भी एक स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है जिससे खिलाड़ियों को हम एक व्यवस्था दे सके। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के सेक्टर में बेहतरीन कार्य हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में राज्य आज बढ़ चुका है और बोलने में कोई संकोच नहीं है, यही राज्य है। 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, आज यही राज्य है कि सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है। नेता विरोधी दल को पता ही नहीं कि आयुष्मान भारत की योजना लागू होने के बाद आज हर गरीब के लिए अपना स्वास्थ्य उपचार कराना कितना आसान हो गया है, अब उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं। 2017 के पहले की दुर्दशा किसी से छुपी भी नहीं है, गरीबों के बच्चे मरते थे, इंसेफ्लाइटिस की क्या स्थिति थी, इंसेफ्लाइटिस से 1977-78 से लेकर के 2017-18 तक लगभग 50,000 मौतें हुई। और आज मुझे ये कहने में कि ये हमारा सरकार का सौभाग्य है, डबल इंजन की सरकार का सौभाग्य है कि हम अपने प्रदेश के उन मासूमों को बचाने में सफल हुए हैं जो देश के लिए आने वाले समय में जिनकी प्रतिवार ऊर्जा का लाभ मिलेगा, इस राज्य को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ये सरकारें क्या कर रही थी, जो जाति के नाम पे समाज को बांट रही थी, जो तमाम प्रकार के नारे देते हैं लेकिन उन गरीबों के लिए जिनमें ज्यादातर जो मासूम थे, मरने वाले कौन थे, या दलित था, या अल्पसंख्यक था, या अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। और लगभग हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज मैं कह सकता हूं एक नियोजित और सतत रूप से किए गए प्रयास का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल हो चुके। एक सफल मॉडल उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर दिया है, इंसेफ्लाइटिस का नियंत्रण किया जा सकता है, आज ये हुआ है, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। हमने समाज का भी सहयोग लिया, निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया, इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी हमें सहयोग किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को जो पहल करनी चाहिए थी उस पहल का अभाव 2017 के पहले था, और 17 के बाद जब नियोजित प्रयास हुआ आज परिणाम हमारे सामने, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रण में है। महोदय, दूसरा, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी धनराशि देने में पहले कोताही बरती जाती, चेहरा देखा जाता था, एक एंचूज होता था, और आज चेहरा नहीं देखा जाता है। अरे किसी को भी जाएगा उत्तर प्रदेश का ही तो नागरिक होगा,
माननीय विधायक कोई भी इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो कोई भी हमें देता है, हम लोग तो बिना किसी, और अब तो हमने ये भी व्यवस्था उसमें की है बहुत सारी उसमें कि उसमें नाम भी ना आए तो भी हम लोग कोड नंबर से भी उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, नीडी हो जरूर मिले। हाँ, ये जरूर प्राथमिकता होती है कि ये जरूर प्रयास होता है कि आयुष्मान भारत की धनराशि पहले खर्च हो जाए। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि ये राज्य का पैसा है, राज्य के लोगों को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, और यही राम राज्य की अवधारणा है। हम चेहरा देख करके नहीं करते हैं, लेकिन पहले चेहरा देख के किया जाता था, पिक एंड चूज होता था। आज तो सरकार उन चीजों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। यही नहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए, तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और स्ट्रेंथन करने की दिशा में भी सरकार के द्वारा किए गए प्रयास सफलीभूत होंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई संदेह नहीं। और स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है, प्रदेश में इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास करेगी। पौधे जिस क्षेत्र की सर्वाधिक, यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाएं हुई थी, उसमें से एक क्षेत्र जो प्रदेश के अंदर संभावना वाला क्षेत्र था अर्थात सर्विस सेक्टर, टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर थी, पिछली सरकारों ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उपेक्षा इस आधार पर की थी, अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने तो कभी राजनीति नहीं की, राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पर राजनीति कैसे, उनका तो हम स्मरण करते हैं, और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहां संबोधन तो राम राम का ही होता है ना, तो अब राम राम, राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं, उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है, क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा, तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी, मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे, और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, बरेली का नाथ कॉरिडोर, चित्रकूट, इन सभी के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के भी एक एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। प्रयागराज का कुंभ 2025 का, 2019 के कुंभ, प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था, और ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है यहां पे। राधे राधे। निषादराज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, और आजमगढ़ के हरिहरपुर में भी एक संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, और साथ साथ राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में है। अयोध्या में
विदुर कुटी में तो हम कर ही रहे हैं, विदुर कुटी में तो ऐसा हो। अरे महाराज, आपको तो कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। आप देखें, महाराज विदुर के नाम पे वहां मेडिकल कॉलेज कौन बना रहा है? बन रहा है ना। और मैं स्वयं गया था वहां पे, विदुर कुटी पे गया था, वहां के पुनरुद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बिजनौर को एक पहचान दे रहे हैं। और मैं तो रात्रि को भी बिजनौर रुका था, अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे क्योंकि उनको डर लगता था, पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया ले। चाचा का अधिकार था, रात्रि को नहीं रुके होंगे, ना ना ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं गए होंगे, ना नोएडा गए होंगे ना बिजनौर गए होंगे। उदा देवी के लिए कह दीजिए, कहाँ के लिए? उदा देवी के नाम पे तो पूरी बटालियन बन रही है, बीएससी की पूरी बटालियन ही बन रही है। और लखनऊ के किले को भी हम ठीक करा रहे हैं, अन्य जगह के किलों को भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। हमारे टूरिज्म के उसका पार्ट है, ये तो हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है, वहां भी करने जा रहे हैं। आप चिंता में आप भटकिए मत, आप सही रास्ते पे चलिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अरे आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी सुन तो लीजिए, मैं अयोध्या पे आ रहा हूं, अयोध्या के बारे में सुन तो लीजिए, अयोध्या के बारे में वो सुन तो लीजिए। अयोध्या में रामायण और वैदिक शोध संस्थान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहाँ की गई है, इंटरनेशनल सेंटर बनेगा अयोध्या में, अयोध्या के लिए हम वो भी करने जा रहे हैं। तो यह सरकार ने इसमें बजट की व्यवस्था की, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर नगरीय विकास, यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है, इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर प्रयास हुए हैं नगर विकास विभाग के द्वारा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में वह तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा है। और इस क्षेत्र में इससे रोजगार के सृजन भी इससे होते हैं, स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन के लिए टाउनशिप विकसित करने के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में इसका प्रावधान किया है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें प्रदेश के अंदर हर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में, दूसरे चरण में हर नगर पालिका क्षेत्र में, तीसरे चरण में टाउन एरिया में भी हम उसे एक सेफ सिटी के रूप में डेवलप कर सके, ITMS ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर सकें। इसके लिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफी बड़े पैमाने पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि वहां पे ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, वहां के कूड़ा प्रबंधन के लिए, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जमाव से मुक्त करने के लिए भी, अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। और मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती के विकास के लिए भी 675 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रदेश के अंदर शहरी जाम से मुक्त करने के लिए जो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, उसमें फ्लाईओवर बनाने के लिए और आरओबी बनाने के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट में यहां पर किया है। प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन
मैं ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को प्रदेश सरकार पहले ही प्राप्त कर चुकी है, लेकिन इस मिशन में और भी कुछ, क्योंकि स्वच्छता का लक्ष्य केवल यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य के सेक्टर में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था की है। प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए उत्तर प्रदेश में अगर वह अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेंटर, कोई गांव में कोई अन्य केंद्र स्थापित करना चाहता है तो राज्य सरकार भी उसमें योगदान देगी और उनके भी योगदान से हम उनकी स्मृतियों को वहां बना सके। इसके लिए भी मातृभूमि योजना यहां पे, इसके लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर अन्य सभी कार्यों के लिए भी क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक सेक्टर में भी, चाहे वह महिला सुरक्षा हो या फिर कमजोर तबकों के लिए भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि पहले ही 15,000 से 25,000 की गई है। बालिकाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए धनराशि का प्रावधान। और एक बात जो यहां पे परसों उठ रही थी, हमारी एक माननीय सदस्य ने इस बात को यहां पे उठाया था कि कुष्ठ रोगियों के लिए आवास की सुविधा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि हमारी सरकार 3 वर्ष पहले इस बात को कर चुकी है कि हर कुष्ठ रोगी को 3,000 रुपये मासिक पेंशन के साथ साथ आवास की सुविधा भी हम दे रहे हैं। देखिए, आपका सारे कार्य तो हम लोग कर रहे हैं, अब आपको और चाचा को फैसला लेना ही चाहिए, काहे बेकार उपेक्षित पड़े हुए। हाँ महोदय, ये सरकार पहले कर चुकी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उनके कल्याण के लिए एक कोष की स्थापना प्रदेश सरकार ने की है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हुए पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी, नए थानों के लिए फायर ब्रिगेड के नए सेंटर स्थापित किए जा सके उसके लिए भी, साइबर थानों की स्थापना हो, अन्य जो भी समय समय पर जो भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन सभी के लिए, चाहे वो होमगार्ड के जवानों और उनके स्वयंसेवकों के लिए अनुग्रह राशि की व्यवस्था आदि के लिए भी हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया है, जो प्रदेश के अंदर चाहे हर तबके के लोगों के लिए उनके जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किया है। महोदय, प्रदेश सरकार भारत सरकार के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हो, इस दिशा में हम लोगों ने एक बेहतर रोडमैप भी प्रदेश के अंदर तैयार किया है, और जिसमें 5T के मंत्र के साथ टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, इन सब को अपना करके राज्य सरकार इसमें बेहतर प्रयास प्रारंभ की है। हाईवे के साथ साथ डिजिटल ढांचा हाईवे, इस पर कार्य हो रहा है, जिसमें ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल फाइबर का एक मजबूत ढांचा प्रदेश के अंदर हो, हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की स्थापना के पीछे, ग्राम सचिवालय की स्थापना के पीछे का हेतु यही है कि ऑप्टिकल फाइबर के साथ हम वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी दे सकें और गांव में ही गांव के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। प्रदेश में असीमित पोटेंशियल को, उसके स्किल को स्केल और स्पीड पर प्रदेश सरकार पूरी तरह फोकस कर रही है। हम सब इस बात को मानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास सबसे उर्वरा भूमि है, सर्वश्रेष्ठ युवा है और भारत का सबसे बड़ा
उपभोक्ता और श्रम का बाजार भी हमारे पास है। महोदय, देश की कुल कृषि भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन यहाँ की भूमि का कमाल है और यहाँ के अन्नदाता किसानों का पुरुषार्थ है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में 20% का शेयर रखता है। 11% शेयर में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश के अंदर हमारे पास जो मैन पावर है, जो युवा है, 56% ऐसा है जो कामकाजी है, यानी युवा है, ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा से भरपूर है। हमने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, डबल इंजन सरकार ने रेल की कनेक्टिविटी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर का मामला हो, रेल नेटवर्क हो, वंदे भारत या अमृत भारत एक्सप्रेसवे के माध्यम से नए भारत की नई ट्रेन की सुविधा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर बेहतर वायु कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को उत्तर प्रदेश के अंदर देने का कार्य हो, या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट से आज मुक्त होते हुए देश का पहला इनलैंड वाटरवे की स्थापना के कार्य को तेज करने का कार्य हो, यह भी उत्तर प्रदेश कर चुका। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों का प्रयास है कि अयोध्या को पहले हम पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ करके और फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर कर सके और अन्य जगहों को फिर धीरे धीरे करके हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर पोटेंशियल के अनुरूप हमने सेक्टर वार उसकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति भी अपनाई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो SGD के लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह संकल्पित है और प्रदेश की GDP केवल प्रदेश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर जनपद की भी अपनी एक GDP होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने इस पर पूरी तैयारी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। सेक्टोरल और क्रॉस सेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिस को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के गठन की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। और यहां पर जिन बातों पर चर्चा हो रही थी, मैं अक्सर देख रहा था, माननीय सदस्यों की पीड़ा है, बोलते भी हैं, और खास तौर पर इस बात को लेकर के अभी माननीय सदस्य ने इस बात को देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा यह सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास है। जिन लोगों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा है, वे अपनी सफलतम कहानी को बोले, और जिनको नहीं पहुंचा है वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहली बार आपकी सरकार आपके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, अब उसको एक नए रूप में बहुत शीघ्र प्रदेश सरकार फैमिली ID लागू करने वाली है। हर परिवार के लिए एक फैमिली ID, पूरे सिस्टम को हम ऑनलाइन करेंगे, पूरे परिवार का विस्तार उसमें होगा, और फैमिली आईडी के माध्यम से किन योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिला है, कौन लोग अभी तक उससे वंचित हैं, जो लोग वंचित हैं उन तक सरकार उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए जाएगी। किसी को सरकार के द्वार आने की नहीं, बल्कि सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी फैमिली आईडी कार्ड को, इस कार्य को करेगी। दूसरा, सरकार के द्वारा यह भी प्रयास है कि हमने सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है, हर परिवार के एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने फैमिली आईडी के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें अब तक 60 योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं,
एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत 6,64,00,000 लाभार्थियों की फैमिली आईडी सीटिंग की जा चुकी है। ये काम चल रहा है, निरंतर चल रहा है और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नीति आयोग ने 8 आकांक्षात्मक जनपदों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बहराइच और श्रावस्ती को जो आकांक्षात्मक जनपद थे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि विकास में, रोजगार में, अन्य सुविधाओं में जो पिछड़ गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों की श्रेणी में लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के क्रम में उत्तर प्रदेश के मॉडल को उसको बेहतर माना है। आज आकांक्षात्मक जनपद की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए, एस्पिरेशनल विकास खंडों के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है और उन कार्यक्रमों को हम प्रभावी ढंग से लागू कर चुके हैं, उसके बेहतर परिणाम आ चुके हैं, आ रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में भी चूंकि नई नगर निकाय आए हैं, ये कभी एक वर्ष पहले, डेढ़ वर्ष पहले सभी ग्राम पंचायतें थी, इनका भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए भी हमने एक आकांक्षात्मक नगरीय योजना भी लागू की है, जिसमें 100 ऐसे नगर निकायों का चयन किया गया जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस दिशा में उसके बेहतर दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। महोदय, $1 trillion के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार का जो सेक्टोरियल मैकेनिज्म है वह हम लोगों ने 10 सेक्टर में उसको तैयार किया है और प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी हम लोगों ने एक जिम्मेदार अधिकारी के नेतृत्व में, एक अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में उसको दी है। उसके अल्पकालिक और दीर्घकालीन जो योजना तय की गई है उसका सफल क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं। मैं केवल नेता प्रतिपक्ष से एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर, ये जो अलग अलग घटक हैं, जो 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके 12 लक्ष्य नीति आयोग ने तय किए थे, इसमें डबल इंजन की सरकार ने पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के अंदर 6,00,00,000 लोगों को गरीबी रेखा से, बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें अगर आप देखें तो 2017-18 में, यानी 16-17 में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 crore लोग केवल अनुपूरक आहार ही प्राप्त कर पाते थे और आज 2,06,00,000 से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे तो 2014 में, 16-17 में भी 48 प्रति लाख थी, जो 2020 में यह 38 प्रति हजार हो चुकी है। मातृ स्वास्थ्य दर में भी अगर आप देखेंगे कि 2016 तक 285 प्रति लाख थी, आज 2022-23 में यह 167 प्रति लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा में विगत 7 वर्ष में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि 40,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बढ़े हैं। आज 1,92,00,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आज हम वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना, 1,95,00,000 घरों को हम लोग हर घर तक, परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ चुके हैं। 1,58,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली दे चुके, 1,58,00,000 घरों तक बिजली का मतलब 1,21,000 गांवों में मजरों में बिजली पहुंचाने का काम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया और 55,83,000 आवास भी उपलब्ध करवाए गए प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,866 गांवों में हम लोगों ने पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी होगी वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा, पीएम स्वामित्व योजना में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में
9 करोड़ खातों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है और जिसमें से आधे से अधिक यह प्रदेश के महिलाओं का है। और मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो दिया था अपने 5 साल के कार्यकाल में एक फेलोर स्टेट, हमने बनाया एक सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन और हम देंगे प्रदेश को 1 ट्रिलियन। महोदय, मैं इसके साथ ही अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कनेक्टिविटी तक, किसान से कामगार तक, आस्था से आजीविका तक, मान बिंदुओं के संवर्धन से मातृशक्ति के सशक्तिकरण तक, विकसित भारत के बेहतर रोडमैप के साथ जो बजट मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है, इस बजट को सर्वसम्मति से पास करने की अपील इस माननीय सदन से करता हूं कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अगर सही सचमुच आप लोग भी संकल्पित हैं तो आप भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें इस पूरे विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आह्वान भी करता हूं। आपने मौका दिया, आपको हृदय से धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन का भी भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत आ गया है,